मेरा कहना है कि आप सरकार को आज लिखिए हमारे हवाले से कि आप यहाँ तब तक बंद करें मशीन जब तक इन लोगों को कहीं भी 10 डिसमिल जमीन दे करके घर बना करके नहीं रख लेते हैं, और नहीं तो फिर हमको आकर के यहाँ धरना पर बैठना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जैसा जिस शब्द में आपको बोल रहे हैं उसी शब्द में आप सरकार को देखिए। अभी तो क्या बोलते हैं, मोजा लटमा है लोग बताया, और गांव इसको ब्रेक फिल मोसा टोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो परिवार लोग रहते थे, एक सोमा संगा के परिवार, एक डेविड एंड के। सोमा संगा के परिवार के 4 सदस्य हैं, डेविड यान के भी मैंने 4 है, 2 भाई हैं और 2 माता पिता हैं। लेकिन इन लोगों का घर कल प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दमीदोज कर दिया। देखे प्लास्टिक लोगों ने लगा करके महिलाएं कैसे रहती होगी, ये कल्पना कर सकते। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं? बताया कि इनकी पुरखों की ये जमीन है। HEC के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से जमीन एक्वायर किया, और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह जमीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई जमीन होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जो भी साधन संपन्न होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, जमीन होता है, इससे अच्छे जगहों में लोग आ जा करके लोग बसते हैं। लेकिन आज भी ये लोग इस जंगल झाड़ में यूं ही लोग पड़े हुए, इसका मतलब देख के ही लगता है कि निहायत ही गरीब लोग हैं। किसी प्रकार से लोग बाल बच्चे को मजदूरी करके पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी होंगे, ये तो देख करके दर्द होता है, तकलीफ होता है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि प्रकृति ने भी पहले धरती को बनाया, तब इस धरती में जीवों को उन्होंने उत्पत्ति की, ताकि उनकी भोजन की, उसकी रहने की सारी व्यवस्था हो सके। भाई सरकार अगर स्मार्ट सिटी बना रहा है, हमें उसके कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं पहले उनको तो बढ़िया से बसा लेते किसी किनारे में। इस टोला में कितना बताया कि 17 परिवार है, 17 ही घर अभी भी है। वो लोग शेष साइड में, जो दक्षिण साइड में दिख रहा है झोपड़ी, वो लोग भी सब यहीं के हैं। उन लोगों को भी डर है कि लोग अभी मकान दुकान तोड़ देंगे। एक कुआं भी यहाँ पूरा तरह से धंस दिया, दूसरा कुआं बचा हुआ जिसमें काम करने वाला मजदूर भी उसी कुआं से पानी ले रहा है, उसको भी फंसा देगा। तो ये लोग तो मैंने जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग गाँव में कहते हैं ना, चूहा को जैसे भगाया जाता है तो उसके बिल में पानी डाल करके उसको निकाला जाता है। तो यहाँ तो कि आदमी के घर को तोड़ दो, जहाँ उनके पानी उनी पीने का है उसको भी है, तो आप बताओ महिला कहाँ जाती होगी शौचालय बाकी करने के लिए, क्या स्थिति होगी सब। तो इसलिए अभी आप सबके सामने ही मैंने DC से बात किया है। हमने DC को इतना ही कहा है कि भाई आप पहले तो यहाँ बुलडोजर जो चल रहा है इन सारी चीज़ों को बंद कराइए, तोड़िए मत किसी के, पहले इन लोगों की पुनर्वास हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, घर इन लोगों को बना करके दीजिए ताकि ठीक प्रकार के जीवन जी सके। जब आप इनके लिए घर बना देंगे, अरे कितना 17 परिवार है, 10-10 डिसमिल भी जमीन देंगे तो कितना होगा, 170 डिसमिल है, 2 एकड़ जमीन होगा। 2 एकड़ जमीन तो यहीं पर किसी साइड में, कम से कम स्मार्ट सिटी तो देखेंगे, यहाँ ये लोग काम भी कर सकेंगे। 2 एकड़ जमीन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, काट करके उसको वहीं पर बढ़िया से घर बना करके बसा दीजिए। आजकल तो सरकार की ढेर सारी योजना है, सरकार लोगों को छत भी दे रही है, आवास भी देने की, तो फिर काहे को इतनी योजना है। इसलिए मैंने उपायुक्त से कहा है कि आप सरकार को मेरे बातों को सूचित कर दीजिए, और तब तक नहीं तोड़िए जब तक इन लोगों को आप व्यवस्थित नहीं कर लेते, पुनर्वासित नहीं कर लेते। अगर इसके बाद भी बुलडोजर चलेगी, लोगों का घर टूटेगा, तो फिर मजबूरन हमें भी आ करके यहीं पर धरना देनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे वो लाठी गोली चलावे।